प्रस्तुति थी नरेंद्र सिंह रावत जी। आइए दोस्तों, अब समय आ चुका है कि हमारे प्रमुख अतिथि जो भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं उनका स्वागत किया जाए, सम्मान किया जाए। सबसे पहले हम उनका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर हम सभी को यहाँ पर आकर आशीर्वाद दिया। आइए हम एक एक कर उनको आमंत्रित करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनके बारे में थोड़ा सा परिचय, क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि जब हमारे बीच बड़े लोग आते हैं और ऐसे गरिमामय व्यक्ति तो जब हमारे बीच आते हैं तो निश्चित रूप से हमें भी प्रेरित करते हैं, हमें भी प्रेरणा देते हैं। ऐसे व्यक्तित्व का स्वागत सम्मान निश्चित रूप से हम सभी को गौरवान्वित भी करता है और हम सभी को प्रेरित भी करता है। आइए इसी क्रम में हम सबसे पहले आमंत्रित करते हैं आदरणीय महेश कुमार साहब को। सर प्लीज़ सबसे पहले आप यहाँ आ जाइए, एक बार ज़ोरदार तालियां बजाएं। आइए दोस्तों, सबसे पहले सर का परिचय हम संक्षिप्त में मिला है हमें, फिर भी ज़रूरी है आप सभी तक पहुंचाया जाए। वैसे आप सभी जानते हैं मगर फिर भी हमारा ये जो प्रोग्राम है नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनली जो है ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो हमारे सभी श्रोता हमारे दर्शक भी ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि हमारे पास हर बार कौन से हमारे अतिथि आते हैं, प्रमुख अतिथि जो है किस प्रकार से हमारे पास आते हैं और हमें प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। तो आदरणीय महेश कुमार सर जो है मध्य रेल में कार्यरत हैं एज सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और एक अधिकारी के रूप में सर की पोस्टिंग, सबसे पहली पोस्टिंग मुंबई में, दूसरी पोस्टिंग भुसावल में और नागपुर में तीसरी पोस्टिंग है। आप तकनीकी रूप से बड़े ही कुशल व्यक्तित्व हैं। अत्यधिक लोड वाली मालगाड़ी को खींचने के लिए घाट सेक्शन में जो 2-3 इंजन की ज़रूरत होती है, इस समस्या से निपटने के लिए फ्रांस की कंपनी अलस्थम ने 12,000 हॉर्स पावर का एक अत्याधुनिक इंजन बनाया था। इस इंजन की टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए सर ने फ्रांस की यात्रा की, एक बार ज़ोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। और इस सफल ट्रेनिंग का पूरा लाभ आज रनिंग स्टाफ को मिल रहा है, ये बड़ी ही खुशी की बात है। और रनिंग स्टाफ की ड्यूटी जहाँ से प्रारंभ होती है उसे लॉबी कहते हैं। उस लॉबी में नए नए तकनीकी प्रयोग सर करते रहते हैं जिससे रनिंग स्टाफ को फ़ायदा मिलता है। आपके रहते लगातार 3 वर्षों से नागपुर डिवीजन को TRO विभाग दक्षता शील्ड प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने ताली बजाकर अभिनंदन किया। लोको पायलट और गार्ड के विश्राम करने की जगह जिसे रनिंग रूम कहते हैं, भारत के बेस्ट रनिंग रूम के रूप में आपने आमला को यह अवार्ड दिलाया। इसी के साथ साथ समय बेसमय की ड्यूटी होने से रनिंग स्टाफ की कई समस्याएं होती थी जिनके निराकरण हेतु आप सदैव तत्पर रहते हैं। आप एक नेक दिल इंसान हैं, यदि कोई परेशानी में रहते हैं उसकी सहायता करने में आप सदैव तत्पर रहते हैं। COVID-19 जैसी महामारी में भी आपकी सूझबूझ और शानदार कार्यशैली से रनिंग स्टाफ को कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि लॉकडाउन में भी सबसे अधिक घर से बाहर रहने वाला यही स्टाफ रहा। साहित्य के क्षेत्र में भी आपको विशेष रुचि है, आप रनिंग स्टाफ उनके परिवारों के बीच कविता, कहानी, लेख, स्लोगन आदि अनेक विधाओं में प्रतियोगिताएँ आयोजित करवाते रहते हैं। पिछले वर्ष सर के मार्गदर्शन में लोको रनिंग वेलफेयर कमेटी LRCWC और कल्चरल राजभाषा विभाग के संयुक्त प्रयास से एक संकलन प्रकाशित हुआ जिसका नाम है काव्य एक अभिव्यक्ति। जोरदार तालियां। और विशेष रूप से इस प्लेटफॉर्म तक सर को संगीत की रुचि भी ले आई, इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं सर कि आप संगीत में भी रुचि रखते हैं। क्योंकि किसी ने कहा है सर कि जिस व्यक्ति को संगीत से और साहित्य से लगाव होता है वो बड़े ही खूबसूरत दिल का मालिक भी होता है, और वाकई ये खूबसूरती आपके चेहरे पर भी झलकती है। आपको बचपन से गायन और संगीत में रुचि है, आप ये बड़ी बात अच्छी बात है कि आप अधीनस्थ कलाकारों को अवसर देने का हर संभव प्रयास करते हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण फ्रेंड्स म्यूजिकल हंगामा का परिवार है जिसमें लगभग सभी कलाकार रनिंग स्टाफ से ही है, तो हम सब आपका अभिनंदन करते हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे इस पूरे प्रोग्राम के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर साहब हमारे सनिका मुंद्री साहब आएँ और सर का अभिनंदन स्वागत कर दें। जोरदार तालियां सर के अभिनंदन में। सर बने रहिए प्लीज थोड़ा देर। इसके बाद हमारे जो दूसरे अतिथि हैं वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिरसाट सर। सर प्लीज कम ऑन स्टेज। सिरसाट सर की उपलब्धियां कुछ इस प्रकार है कि सर डिविजनल मेडिकल ऑफिसर है सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल मध्य रेल में, और उपलब्धियां तो बहुत सारी हैं।
जो हमें बताई गई है, चीफ मेडिकल डायरेक्ट अवार्ड दो बार 2014-2016 CMD अवार्ड, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नागपुर ब्रांच की कल्चरल विंग में भी आप हमेशा सहभागी रहते हैं। आपने 2000 से लेकर 2005 में मेडिकल कॉलेज नागपुर से MBBS की डिग्री प्राप्त की, सायन हॉस्पिटल मुंबई से 2008-2011 के बीच MS की डिग्री प्राप्त की, UPSC की कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज परीक्षा पास करने के बाद सर 5 वर्ष भुसावल और नागपुर में 4 वर्षों की लगातार सेवा दे रहे हैं। आप एक बेहतरीन सर्जन हैं। सर, वैसे आपकी सर्जरी के किस्से बहुत सुनने मिले हमें, और एक तो हमारे एक सुदामा जी हैं जो आपकी बड़ी तारीफ करते हैं। तो आप बेहतरीन सर्जन हैं और इसके लिए आपको रेल विभाग द्वारा पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। आपसे इलाज और सर्जरी कराकर जो लोग ठीक होकर घर जाते हैं, वे आपके स्नेहिल स्वभाव और उत्कृष्ट ऑपरेशन की प्रशंसाएं कविताएं लिखकर और प्रकाशित करके करते हैं। बहुत खूबसूरत बात है सर। संगीत में आपको रुचि है? निश्चित रूप से सर, हमारे पास संगीत से जुड़े लोग आते हैं तो हमें बड़ी खुशी लगती है। आपको संगीत गायन की रुचि है, सर का गाना भी सुनेंगे अभी। संगीत की शिक्षा भी आप प्राप्त कर चुके हैं और संगीत 2 परीक्षाएं प्रवेशिका और प्रारंभिक उत्तीर्ण करी सर ने, और बड़े सुमधुर गायन से स्कूल और कॉलेज में कई पुरस्कार विजेता रह चुके हैं। रेल विभाग द्वारा भी गायन हेतु अनेक पुरस्कार आप प्राप्त कर चुके हैं। आप एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं, ये रेल विभाग के जो कर्मचारी बीमार होकर आपसे इलाज कराने आते हैं, आपसे मिलते ही उनकी आधी बीमारी रफो चक्कर हो जाती है। एक ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व का हम बहुत सम्मान करते हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे इस फ्रेंड्स म्यूजिकल हंगामा के सीनियर कलाकार मिस्टर देवेंद्र कुमार यादव जी आए और सर का अभिनंदन करें, स्वागत करें। सर बने रहिएगा प्लीज़। और इसके बाद हमारे जो अगले प्रमुख अतिथि हैं वो भी बड़े ही गरिमामय व्यक्तित्व के धनी हैं, आदरणीय मंगेश काशिमकर सर, उनको बुलाते हैं विशेष रूप से। सर, सबसे पहले तो आपका फ्रेंड्स म्यूजिकल हंगामा में बहुत स्वागत करते हैं। हम असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर हैं सर मध्य रेल नागपुर में, और सर की शिक्षा तो वैसे बहुत सारी डिग्रियाँ दिख रही है, PG, DH, RM, MIR, PM, MBA, HR, और उपलब्धियों में बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं। आप गंधर्व महाविद्यालय महाराष्ट्र से संगीत में विशारद हैं। संगीत के बड़े गुरुतर व्यक्तित्व जब आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है सर, क्योंकि संगीत ये तो एक फ्रेंड्स म्यूजिकल हंगामा एक संगीत का प्लेटफॉर्म है, और संगीत के माध्यम से जो सेवाएं हम लोग करते हैं, संगीत के माध्यम से जब लोगों तक पहुँचते हैं उनके चेहरे पर जो खुशी आती है, जो मुस्कुराहट आती है, उससे हमारा भी दिल बड़ा बाग बाग हो जाता है। और आज निश्चित रूप से आपको हम पाकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आप मध्य रेल नागपुर के सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमुख प्रभारी अधिकारी हैं। आपने COVID-19 महामारी के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जन जागृति का कार्य भी किया है। एक बार जोरदार तालियां सर के अभिनंदन के लिए। आपने इंद्र की महासभा नाटक में नारद मुनि की भूमिका इतनी शानदार निभाई थी कि थिएटर के बाहर भी आपको लोग नारद के रूप में, वैसे इस बात को जानने के बाद अब आपको देखने से वैसे लगता भी है सर, आपकी जो चेहरा जब आपका जो लुक है वाकई ऐसा लगता है, हम लोग तो अभी आपको ऐसा देख रहे हैं, हम लोग विजुअलाइज कर रहे हैं कि आप नारद ग्रुप में कैसे दिखते होंगे। बहरहाल वाकई बड़ा खूबसूरत व्यक्तित्व। आप रेल विभाग में कई कल्याणकारी कार्यक्रम चलाते हैं, आप कई तरह के वाद्य यंत्र बजाने में निपुण भी है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है साहब कि आदमी अगर वोकल के साथ में इंस्ट्रूमेंटल को भी अगर साथ लेकर चलता है तो बहुत बहुत बड़ी बात होती हो। आप एक बेहतरीन कवि हैं। अरे सर, तो आप तो बिरादरी से हमारे, हम भी संगीत और साहित्य दोनों साथ लेके चलते हैं। एक हमारे मित्र को हम बड़ा मिस कर रहे हैं, कवि सुदामा आक्रांत। और आपने कई गीत और कहानी की रचना की, आप एक उच्च दर्जे के साहित्यकार हैं, ये बहुत अच्छी बात है सर। कि फूल कली तितली गुल गुलजार हो गया है, फूल कली तितली गुल गुलजार हो गया है, और आपके आ जाने से मौसम खुशगवार हो गया है। आपने स्काउट गाइड भुसावल में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के रूप में कुशलतापूर्वक कार्य किया है। आप एक बड़े ही सुरीले गायक हैं, सुनेंगे सर बिल्कुल अभी आपको। आपने अपने बचपन में प्लेबैक सिंगर सुरेश वाटकर जी के लिए कोरस भी गाया है, वाह बहुत खूब सर। आप रेल विभाग के महत्वपूर्ण सम्मान GM अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके, एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूँगा सर के लिए बजे। और सर के सम्मान के लिए मैं हमारे ग्रुप के बड़े सीनियर कलाकार आदरणीय श्याम चिलाटे सर को आमंत्रित करता हूँ,
कि वह आए और सर का सम्मान करें। और सर विशेष रूप से अब चूंकि हम आप औपचारिक स्वागत सत्कार करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करवाते हैं और निश्चित रूप से सर हमारे पास हर बार हमारा कार्यक्रम महीने में एक बार हम करते हैं और वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम बड़े उससे ही रिचार्ज हो जाते हैं। मैं भी शायद आपको पता ना हो सर, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में राजभाषा अधिकारी हूँ रेस्पेक्टिव अम्बाझरी में और आज मुझे भी उत्कृष्ट टीम लीडर के रूप में 6,000 रुपये का पुरस्कार मिला है। नहीं बताना पड़ता है सर थोड़ा। क्यों श्याम भैया आप कितने नाराज क्यों? हाँ तो सर कोशिश रहती सर कि हम लोग तो छोटी छोटी चुटकियां निकाल के अपने आप को हंसा लेते क्योंकि किसी ने कहा है कि मैंने जिंदगी का मतलब मोहब्बत में पा लिया और जो कुछ भी गम मिले उन सबको अपना लिया और तुम रोकर भी अपना गम हल्का ना कर सके मैंने हंसी की आड़ में हर गम को भुला दिया। तो सबसे बड़ी खुशी की बात सर ये है कि ये यहाँ पर आप जितने भी कलाकार देख रहे हैं ये सब आपके अपने विभाग के कलाकार हैं और मुझे तो कभी ऐसा लगता है कि मैं भी रेलवे विभाग में ही आ गया हूँ और मैं इनसे कई बार ये कहता हूँ कि मुझे भी कहीं अडाप्ट करा लो आप ही के उधर में। तो बहरहाल ये बड़ा ही खुशनुमा माहौल होता है सर फ्रेंड्स म्यूजिकल हंगामा। हम दो तीन मित्र जो है सानिका मंत्री साहब यहाँ पर खड़े हैं, कवि सुदामा आकरान, हम तीन मित्रों ने मिलकर ये काफिला चलाया था और आज एक बहुत बड़ा परिवार यहाँ पर है और निश्चित रूप से बहुत से कलाकार आपके साथ भी आपके सानिध्य में वहाँ पर संरक्षित है, संरक्षणा उनको काफ़ी संरक्षित ढंग से आप आगे बढ़ा रहे हैं। और सर विशेष रूप से हम इसलिए भी गौरवान्वित हैं कि आज आप हमारे मंच पर हैं और जब भी ऐसे गुरुतर व्यक्तित्व के धनी हमारे बीच आते हैं तो उनके जो प्रेरणादायक वचन हैं वो हमें भी बहुत प्रेरणा देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। हम चाहेंगे कि हम महेश कुमार साहब से शुरू करते हैं कि सर ये सभी कलाकार हम सभी आपके आशीर्वाद की आकांक्षा रखते हैं तो कुछ हमारे लिए भी आपका प्रसाद अगर मिल जाए हम बड़े आपका अभिनंदन करेंगे। हेलो, सबसे पहले तो मैं ये जो फ्रेंड्स म्यूज़िकल हंगामा ग्रुप इसका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ इस लायक समझा और यहाँ आपके परिवार में बुलाया, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे साथी अधिकारी श्री हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, जैसा कि आपने परिचय दिया वाकई नामचीन व्यक्ति हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। सर जी जो इक्विपमेंट से सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं वो तो महारत हासिल है ही, लेकिन गले के साथ और स्वर के साथ भी वो बहुत अच्छा ऑपरेशन करने में महारत हासिल है, बहुत अच्छा गाते हैं। उनको जब भी हमें मौका मिलता है वाकई उनकी आवाज़ बहुत बुलंद आवाज़ के धनी हैं। और हमारे तीसरे मित्र श्री मंगेश काशिमकर, उनको भी हम रेलवे परिवार में सब जानते हैं तो एक अच्छे अधिकारी होने के साथ साथ अच्छे कहना चाहिए सिंगर और सिंगर के साथ एक अच्छे एक्टर भी हैं जो आप लोगों ने सुना है, वाकई बहुत बढ़िया उनके वो नारद की भूमिका जो हमारे रेलवे फंक्शन में हुई थी उसको यादगार अभिनय था उनका। मुझे बस एक शौक है, हालांकि कोई मैं मुझे एक कहते हैं कि गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है, बाकी गाने में मुझे कोई ऐसा कभी वो नहीं है और लेकिन आज आपके परिवार में आया हूँ तो मैं वो गुस्ताखी करूँगा, दो शब्द गाने की कोशिश करूँगा। बाकी यहाँ पर चूँकि मेरा परिवार ही नज़र आ रहा है, सब मेरे रेलवे के लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और अन्य भी सभी रेलवे के लोग यहाँ हैं तो इस मंच का मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया हमारे रनिंग स्टाफ को जो कि सिद्ध करता है कि अच्छे रेल चलाने के साथ साथ वो लोग और भी खूबी रखते हैं और एक अच्छे कलाकार सिंगर हैं। इससे दोहरा फायदा होता है, रेल परिचालन तो वो अच्छा करते ही हैं, कहीं ना कहीं उनको दिमागी एक शांति या कहना चाहिए जो सुख शांति थोड़ा सा चाहिए, चैन
वो आपके प्लेटफॉर्म पर मिलता है। मैं एक बार फिर आप सभी का शुक्रिया अदा करते हुए और आभार व्यक्त करते हुए अपने दो शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत आपके शुक्रगुजार हैं, बड़े ममनून हैं हम कि आपने अपने बड़े ही प्रेरणादायक शब्दों से बहुत अच्छी बात कही। और सर एक बात जो आपने कही वो मुझे बहुत टच कर गई, आपने कहा कि मैं सुनना पसंद करता हूँ। तो मैं कहना चाहूँगा सर कि जो हमारे कला क्षेत्र में काशिमकर साहब यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, तो वो जानते हैं इस बात को कि हमारे कला क्षेत्र में कहा जाता है कि तानसेन से बड़ा जो है वो कानसेन होता है, जो सामने बैठा होता है। अगर कानसेन नहीं होगा तो कोई तानसेन नहीं बन सकता सर। तो ये आप जैसे कानसेन को हम यहाँ पर सलाम करते हैं सर कि आप यहाँ आए और इतने अच्छे शब्दों में, इतने सुंदर शब्दों में हम सभी को अपने प्रेरणा दी। निश्चित रूप से हम आपको भी ज़रूर सुनेंगे। और इसी के साथ साथ हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उनको हम माइक देते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन शिरसाट साहब के। और सर जहाँ तक मैंने आपके बारे में मुझे सुना है कि आप सर्जरी भी गाते गाते करते हैं, ये बड़ा गजब का काम है सर। जो आदमी अपने काम से आनंद ढूंढ लेता है उससे बड़ा कलाकार कोई इस दुनिया में नहीं हो सकता सर। क्योंकि एक तो काम के बारे में कहा जाता है सर, या तो रो के कर लो या हंस के कर लो, लेकिन आनंद वही प्राप्त करता है जो हंस के करता है। काम तो हर आदमी करता है सर, हम सभी यहाँ पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, कोई अधिकारी है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, लेकिन एक बहुत बड़ा जज्बा से हमें मिलता है कि जब करना ही है तो हंस के करो, गुनगुना के करो। तो ऐसे व्यक्तित्व के लिए सबसे पहले जोरदार तालियां। और अब हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब भी अपने आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित करें। डॉक्टर हर्षवर्धन सर धन्यवाद, और आप सभी को आज के गणतंत्र दिन की बहुत बहुत बधाई। आज ये जो सब हुआ है, मैं यहाँ पे आया हूँ, इसके लिए सुदामा आकरांत जी बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं। वो मेरे पास आई थी कुछ एक महीना पहले कि उनको कुछ सिबेशियस सिस्टम की एक चीज़ हुई थी, तो हमने ऑपरेशन किया, निकाल दिया, ठीक हो गए। ठीक होते बराबर दूसरे दिन मेरे ही पास मेडिकल के लिए भी आए, पीरियोडिक मेडिकल के लिए। तो उन्होंने ऐसे ही बहुत सहमे स्वर में मुझे पूछा कि सर हम हैं, राय साहब है और एक हमारे और मित्र है, हम मिलके एक फेसबुक लाइव प्रोग्राम करते हैं। तो मैं बहुत खुश हो गया। मैं बताता हूँ इसके पीछे रीज़न बताता हूँ। मैंने पूछा कि आप लाइव इन प्रोग्राम करते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है, और सिंगर्स कहाँ से आते हैं? तो सर मैक्सिमम तो हमारे ही लोग हैं। और मैं सच बताऊँ आज मुझे यहाँ पे आके ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कोई दूसरे फंक्शन में हूँ, मैं मेरे रेलवे के फंक्शन में आया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ना बोलने का तो कोई चांस ही नहीं था मेरे पास, और मुझे ना बोलना भी नहीं था, क्योंकि इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोग करते हैं। हम सब हमारे समय से बंधे हुए हैं। आज महेश सर मेरे साथ है, महेश सर का सानिध्य और स्नेह मुझे भुसावल से प्राप्त है। मैं 2012 में ज्वाइन किया, तब से मैं सर को देख रहा हूँ, और ये यानी आशीर्वाद ये कि ये इधर भी है, मैं भी इधर आ गया और सर मेरे साथ यहाँ पे है। वैसे ही सेम काशिमकर जी का भी है कि मैं भुसावल में था, मेरा ज्वाइनिंग के वक्त भी वो वहीं पे थे, और मेरे नागपुर ज्वाइनिंग के वक्त में ये नागपुर में थे। तो स्टेज भी मुझे मेरा ही लग रहा है, मेरे रेलवे का ही स्टेज लग रहा है। आप लोगों ने बहुत सम्मान दिया है मेरे लिए, जो शब्द कहे हैं, मैं डिज़र्व करता हूँ या नहीं मुझे पता नहीं, हाँ लेकिन संगीत की रुचि मुझे यहाँ तक ज़रूर लेके आई है। संगीत हम सबको एक अलग सुर में बांधता है, हम सात सुरों से हम सब लोग बंधे हुए हैं। लोको पायलट्स जैसे सर बता रहे हैं और जैसे राय सर ने भी बताया, लेकिन एज अ डॉक्टर का पर्सपेक्टिव मैं बताता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल्स में, शिफ्ट्स में ड्यूटी करना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत हार्ड होता है। उसका हार्डनेस उसी को पता चलेगा जो वो ड्यूटी कर रहा है, जिस तरह की ड्यूटी कर रहा है। उसके पीछे लगभग सर कितना 1200 1500 या ज़्यादा यात्री, कितने यात्री बोलूँ मैं, यहाँ एक ट्रेन में 1000 से 1200 यात्री सोए हैं और ये बंदा ट्रेन चला रहा है। आप सोचिए इस बंदे को रिक्रिएशन का कितना ज़रूरी, यानी कितना ज़रूरत है। अगर ये फ्रेश माइंड से ट्रेन नहीं चलाएगा तो ये शायद ट्रेन ठीक से नहीं चला पाएगा। और मैं ये जान के बहुत खुश हूँ सर कि आपके लोगों को यहाँ पे आने के लिए कभी भी आपकी मनाही नहीं है, आपका प्रोत्साहन है। और मैं चाहूँगा कि सर के लिए इस बात के लिए बहुत ज़ोर से तालियां बजनी चाहिए। सर भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल में होते हैं, अरे ट्रेन पिटनी नहीं चाहिए, अरे लोको पायलट होना चाहिए, और यही हमारा लोको पायलट भाई आज यहाँ पर हमारे साथ आके गाना गाता है और अपना दिल खोल के गाना गाता है। मैंने अभी गौतम जी का गाना सुना, बहुत सुंदर लगा।
इससे पहले भी मैं पहले से स्टार्टिंग से आया, मैंने सारे गाने सुने, मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं जानबूझ के ही पीछे बैठा था ताकि मैं एंजॉय कर पाऊँ कि हाँ मैं सारे गाने सुन रहा हूँ, और घर से फ़ोन आया इसलिए बाहर आया, तब सर लोग आ गए तो हम भी आ गए साथ में। यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आपका कारवा बड़े, परिवार बहुत बड़ा हो और आप ऐसे ही और बाकी भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज, स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज लोगों को भी जोड़े ताकि हमारा परिवार बहुत बड़ा हो। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़े ही अच्छे शब्द थे, बड़े ही प्रेरणादायक शब्द थे, और निश्चित रूप से जब ऐसे गुणीजन आते हैं और हमें प्रेरित करते हैं तो हमें एक ऊर्जा से मिलती है, उत्साह जागता है। और जैसे सर ने कहा कि वाकई किसी भी काम को करने के लिए उत्साह और आनंद का होना बहुत ज़रूरी है, और निश्चित रूप से सर ये प्लेटफॉर्म पे आके हम सभी रिचार्ज होते हैं क्योंकि सभी कहीं ना कहीं अटैच्ड है, अपने काम से जुड़े रहते हैं। हम आपको बताएं, कल हमने एक लाइव सेशन किया, कल शाम को रात को 12 बजे घर पहुँचे, सुबह ऑफिस का फंक्शन अटेंड किया, वहाँ 2.5 घंटे खड़े थे, अभी यहाँ खड़े हैं। और ये कहें कि जब हम लोग सर कला से जुड़ते हैं तो उसमें एक आत्मिक जो ऊर्जा है वो वैसे ही आ जाती है। किसी ने हमसे कहा था कि वैसे हमारे राष्ट्रीय दौरे होते हैं तो राष्ट्रीय दौरे में कहीं ग्वालियर जा रहे हैं, कहीं झांसी जा रहे हैं, कहीं पटना जा रहे हैं, कहीं बेंगलोर जा रहे हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा सर, एक बार पूछा कि आनंद साहब आप ये बताइए इतने दौरे आप कैसे कर लेते हैं, आज पता चला आप पूना में हैं, कल पता चला आप चेन्नई में हैं, कल पता चला आप बेंगलोर में हैं। तो हमने उनको एक ही बात कहा कि साहब हम लोग जो है बड़े नशेड़ी टाइप के लोग हैं। तो बोले साहब आप नशा करते हैं, बोला नहीं नशा तो कुछ भी नहीं करता हूँ। तो बोले फिर नशेड़ी कैसे हुए, बोला हमको संगीत और साहित्य का नशा है। तो उस नशे में कविता पढ़ने के या संगीत गाना गाने के नशे में हम कार्यक्रम स्थल तक पहुँच जाते हैं और उनकी जो तालियाँ मिलती उसके नशे में घर तक आ जाते हैं। तो ये बड़ी बात है सर, ऐसे आप जब आते हैं तो ऐसी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें मिलती, तो उनसे ये बातें कनेक्ट हो जाया करती हैं। और अब जो हम जिस मतलब गरिमा में व्यक्तित्व की तरफ बढ़ रहे हैं, आप हैं आदरणीय मंगेश काशिमकर साहब, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर सेंट्रल रेलवे नागपुर। और सर जितना मैं आपको देख रहा हूँ तो मैं एक 4 पंक्तियों से आप तक पहुँचना चाहता हूँ कि किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है, शायद आप जैसे व्यक्तित्व के लिए ही कही होगी कि मिलेगी परिंदों को उनकी मंजिल, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं, बहुत खामोश रहते हैं वो लोग अक्सर जिनके हुनर बोलते हैं। तो मैं चाहूँगा देवेंद्र भाई उनको माइक दे, काशिमकर साहब को। नमस्कार, आप सभी को गणतंत्र दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। पहले तो आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ कि इतना अच्छा माहौल यहाँ पे बनाया है। जैसे सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था तो कानों में जो स्वर गूंज रहे थे तो लगा नहीं कुछ बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, और वाकई यहाँ का अरेंजमेंट और आप लोगों ने जो किया है बहुत सुंदर। एक बार खुद के लिए तालियां बजाएं जोरदार। और आप एफ बी लाइव में दिखा रहे हैं जैसे अभी साहब लोग ने बताया, तो मेरा निश्चित अनुमान है जिन बच्चों ने रेलवे के लिए अप्लाई किया होगा वो बोलेंगे मुझे रेलवे की परीक्षा पास करना है। जो यहाँ 3 मूर्ति आई है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको देख के बोलेंगे यार रेलवे में काम अच्छा होता है, सैलरी अच्छी है और हम जो करना चाहते हैं हमारे हुनर को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। और जैसे कि मैं सांस्कृतिक गतिविधियाँ देखता हूँ रेलवे की, काम पूरा करते हैं, काम में कोई कमी नहीं है, पर अपना जो समय है उसमें जो हुनर है एम्प्लॉयज़ के उसके लिए पूरा पूरा हमारे पास सपोर्ट है। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं, आपको बहुत सारे चांसेस मिलते हैं जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे खुशी है कि मेरे सारे साथी आज यहाँ पर आए रेलवे में और इतना अच्छा ग्रुप बनाया, सबके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं एक बार। और आनंद साहब आनंद की बात करें, उनके नाम में ही आनंद है, इसीलिए इस ग्रुप में आनंद है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, काफ़ी देर से भाषण चल रही है, और वो कहते हैं कि कान से लोग ना ज़्यादा बोरिंग नहीं होना चाहिए तो भाग जाते हैं। तो हम गानों की शुरुआत करेंगे, जल्दी जल्दी आगे प्रोग्राम चलाएंगे। पुनश्च मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। प्लीज़ सर, मैं चाहूँगा सर आप रुक जाएं, क्योंकि आपसे ही बात शुरू हुई थी तो हम चाहते हैं कि आप फिर डॉक्टर साहब और फिर काशिमकर साहब सर ट्रैक देख बता दें, ट्रैक बता दीजिए। तो अब हम जो हैं हमारे आदरणीय महेश कुमार साहब हमारे बीच हैं, हमारे जितने भी एफ बी व्यूवर्स हैं हम उनको बताना चाहेंगे कि हमारे प्रमुख अतिथि अब यहाँ एक एक कर अपना गीत प्रस्तुत करेंगे। आप लोग जैसे हम सभी का हौसला अफजाई हम सभी की हौसला अफजाई करते हैं हम